अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक जो है वो है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स विद रिगार्ड एडुकेशन। एज यू नो, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने नए रूल्स बनाए, नए जो है उन्होंने रेगुलेशंस बनाए एजुकेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वी हैव हियर अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन। मिड 19th सेंचुरी जो है तब तक खाली प्राइमरी एजुकेशन की तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने ज़्यादा ध्यान दिया। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालाज टू फंक्शन विदाउट एनी इंटरफ्रेंस। तो लोकल पाठशालाज जो होते हैं, लोकल जो उनके स्कूल थे इंडियंस के, वो अपने हिसाब से चल रहे थे क्योंकि उन पर डिस्टर्बेंस कोई नहीं थी इनकी, क्योंकि वो खाली प्राइमरी एजुकेशन से कंसर्नड थे। आफ्टर 1854 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नैक्यूलर एजुकेशन। अब उन्होंने ये डिसाइड किया हम वर्नैक्यूलर एजुकेशन जो है, लोकल एजुकेशन यहाँ की जो है, उसको भी हम सीधा करेंगे, ठीक करेंगे, यानी इम्प्रूव करेंगे। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाई इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, establishing rules, ensuring regular inspections। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तभी मुमकिन होगा, ये जो वर्नैक्यूलर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना तभी पॉसिबल है जब हम नए रूल्स पास करेंगे, उन रूटीन्स को इम्पोज करेंगे, नाफिज करेंगे, नए कानून बनाएंगे विद इन द सिस्टम, यानी उस सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस लाएंगे, फिर उनको वक्त वक्त पे इंस्पेक्शन किया करेंगे, मुआयना किया करेंगे कि ये लोग ठीक से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। हाउ वॉज दिस टू बी डन, वॉट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ। तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे इसको जो है इम्प्लीमेंट करें। हाउ वॉज दिस टू बी डन, वॉट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक। तो उस सिलसिले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या मेजर्स उठाए, तो वो हम देखेंगे किस तरह से ये किया जाएगा, क्या मेजर्स उनको, स्टेप्स क्या क्या उठाने पड़ेंगे, तो ये भी हम देखेंगे। इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ही पंडित्स अपॉइंट किए, जो पंडित मतलब स्कूलों को पढ़ाते थे, देखते थे, सुपरविजन करते थे, उसके लिए उन्होंने खुद पंडित अपॉइंट किए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, 4 से 5 स्कूल्स की जिम्मेदारी हर पंडित को दी गई कि आप इसको जो है निगरानी करेंगे। 4 से 5 स्कूल्स की जिम्मेदारी एक पंडित को दे दी गई। तो इस सिलसिले में जो है पंडित्स को जो है उन्होंने ये ड्यूटी असाइन की कि आप स्कूल्स को देखते रहोगे। द टास्क ऑफ पंडित्स वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इट टीचिंग। यानी पंडित्स की ये ड्यूटी थी कि वो पाठशालाज को विजिट करें, उनको इंस्पेक्शन करें और उनकी टीचिंग जो है वो इम्प्रूव करें, उनको उनकी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उनको इम्प्रूव करें। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले टाइम टेबल नहीं था उनको, फिक्स्ड कोई ये नहीं था, देवर एट लिबर्टी, जो आजकल की एजुकेशन सिस्टम है उससे काफ़ी डिफरेंट था, ना टाइम टेबल होता था, ना फिक्स्ड फीस होती थी, ना कुछ होता था। तो हर गुरु उस टाइम के टीचर को कहते थे पाठशाला में जो पढ़ाता था, हर गुरु को कहा गया कि आप रिपोर्ट सबमिट किया कीजिए पीरियोडिकली, यानी 10 दिन 15 दिन या कुछ दिन के बाद आप रिपोर्ट सबमिट किया कीजिए पंडित्स की तरफ, ताकि वो हमें फिर ये पूरा रिपोर्ट दे दे कि कौन स्कूल किस तरह फंक्शन कर रहा है। तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या कहा कि टाइम टेबल जो क्लासेस लेंगे ये अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल होगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अब टाइम टेबल भी उनको इम्प्लीमेंट किया जो ये इनको पहले नहीं पता होता था। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। देखिए अब ये पढ़ाने बढ़ाने का सिस्टम जो है, पहले टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थी, अब इन्होंने टेक्स्ट बुक्स इम्प्लीमेंट कर दी, और लर्निंग का जो टेस्ट लेना था लास्ट में कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, यानी स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, कितना वो सीख पाए हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक मेथड किया एनुअल एग्जामिनेशन, यानी एक साल के बाद एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि इससे पहले कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था। स्टूडेंट्स आस्क टू पे रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। देखिए स्टूडेंट से कहा गया कि आप अब रेगुलर फी देंगे, पहले फी डिसाइडेड नहीं थी,
अटेंड करेंगे क्लास उसको रेगुलरली, यानी कंटिन्यूसली रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स। देखिए ये आजकल के हमारे में भी नहीं है, फिक्स्ड सीट्स पे हर स्टूडेंट की अपनी सीट होती थी फिक्स्ड, उस पे वो बैठा करता था, उसके बगैर वो दूसरी जगह नहीं बैठ सकता था। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और नए रूल्स का जो डिसिप्लिन है उसको ओबे करना था। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वेर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब जो पाठशाला इन रूल्स को एक्सेप्ट करता था उसको गवर्नमेंट ग्रांट देता था, यानी फाइनेंस करता था, पैसे देता था। दोज हु वेर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। अब जो कुछ स्कूल ऐसे होते थे जो अनविलिंग होते, जो नहीं मानते थे इनके रूल्स के हिसाब से चलना, वो इन रूल्स को नहीं फॉलो करते थे, तो उनको गवर्नमेंट ग्रांट भी नहीं देती थी, उनको गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं देती थी। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर अटेंडेंस इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एड्स एंड रेगुलेटेड पाठशालाज, गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला। अब टाइम गुजरता गया, गुरुज को धीरे धीरे ये पता चल गया कि वो अपनी इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी उनकी है वो उनकी चली जा रही थी दिन ब दिन। वो जो चाहते थे अब कि हमें रिटेन अपनी आज़ादी को हम वापस कर लाएँ, जो हम आज़ादी से अपने हिसाब से पढ़ाते थे वो सिस्टम हमें फिर चले, तो उनको ये मुश्किल लगा कि गवर्नमेंट का जो डिफाइन किया, जो पॉलिसी डिफाइन की हुई है उनके हिसाब से चलना उनको मुश्किल लगा, कि जो गवर्नमेंट एडेड और रेगुलेटेड पाठशालाज हैं तो उनको जो है उनके हिसाब से चलना उनको मुश्किल लग रहा था। जो इंडिपेंडेंस चाहते थे, यानी कुछ स्कूल ऐसे थे कि जो अपने हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट के चलाए हुए स्कूलों के साथ कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल होता था। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कंसीक्वेंस। अब न्यू रूल और रेगुलेशन जो है उनके और भी नतीजे थे। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पेजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू द पाठशाला सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल। देखिए पहले टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, और जो पेजेंट के बच्चे थे, गरीब लोग थे, पेजेंट्स के भी, किसानों के भी बच्चे थे, वो भी पाठशाला जाते थे, स्कूल जाते थे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से टाइम मिलता था, उनको अच्छी तरह से टाइम मिलता था, क्योंकि हार्वेस्ट के दौरान जो है वो पूरा ये बंद होता था स्कूल वगैरह। तो डिसिप्लिन ऑफ न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। जो नई सिस्टम का डिसिप्लिन जो था, नई एजुकेशनल पॉलिसी जो थी उसके हिसाब से अटेंडेंस कंटिन्यू चाहिए थी, इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ द पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स। यहाँ तक कि जो हार्वेस्ट का सीज़न था, फसल काटने का सीज़न था, उस टाइम भी बच्चों को आना पड़ता था, जो पहले उनको आदत उस चीज़ की नहीं थी वो अब उनको करना पड़ रहा था, यानी अब टाइम टेबल थोड़ा सा टफ हो गया था इन बच्चों के लिए। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल्स केम टू बी सीन इन एज इनडिसिप्लिन एंड एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। अब जो बच्चा स्कूल कंटिन्यू नहीं आ पाता था किसी वजह से, इसको ये माना जाता था कि इस बच्चे ने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया है और इसको पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, तो ये मानते थे कि अब हर बच्चे को जिसको भी शौक है पढ़ने का वो स्कूल आए, चाहे हार्वेस्ट हो या कोई और सीज़न हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स।